Hi guys, let's look to the second part of Friendly Mongoose of class 6th. Last part we have seen that the baby boy was given a pet and it has grown. Then after, a mother wanted to go for market, then she went to the market. Then after what I have seen, we will see in this part. See, farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. सो इनकी मम्मी है मार्केट लास्ट पार्ट में पढ़े थे मार्केट चले गई थी फिर अभी क्या करने लग गई वहाँ से फुल बास्केट फुल पूरा क्या कर लेके आई ग्रोसरी आइटम्स को पूरा क्या करके लेके आए उसमें लेके आई थी शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर ऑन सीइंग हर इट वेंट टू वेलकम हर सो यहाँ पे ये बात हो रहा है इन्होंने क्या कर रहे थे वहाँ पे वेट कर रहे थे वेट जैसे कुछ पेट्स रहते हैं डॉग वगैरह रहते हैं जो कहीं चले जाते हैं जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं दरवाजे के पास बैठ के वेट करते रहते हैं कोई आते हैं तो तुरंत दौड़ दौड़ के जाता है उसको पूछ के जाते हुए सो वैसे ही वैसे सेम यहाँ पर भी हो रहा है मंगूस भी क्या कर रहा है आउटसाइड वेट कर रहे हैं कब तक उनकी मम्मी आएंगे करके सो जैसे उन्होंने देखा फिर उनको जाके वेलकम करने के लिए उन्होंने वहाँ दौड़ के क्या कर दिया वहाँ पे चले क्योंकि उसको रूटीन है ऐसे चलते ही रहता है फिर उनके बाद क्या हो गया वेन शी नोटिस ब्लड ऑन द मंगूस माउथ देन शी स्टार्टेड स्क्रीम एंड क्राइंग लाइक यू विकेट एनिमल यू हैव किल्ड माय बेबी सो यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है जब इन्होंने दौड़ के वहाँ पास गए थे वहाँ पास जाने के टाइम पे वो भी एकदम देख रहे थे देखने के टाइम पे उनको मुंह पे ब्लड को देखे सो ब्लड को देखने के टाइम पे वो बहुत गुस्सा हो गए गुस्सा होने लग गई एकदम चिल्लाने लग गई एकदम रोने लग गई तो क्या है एकदम बुरे एनिमल हो क्या कर दिए मेरे बेटी को बेटे को मार दिए करके क्या करने लग गई एकदम ज़्यादा चिल्लाने लग गई शी वॉज फिल्ड विद एंग्री विद ऑल स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हेवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन मंगूस अभी क्या हो गया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई गुस्सा हो गया क्या करने लग गई बहुत उसका जितना भी ताकत है उतना ताकत उठा के क्या कर दिए जो बैग एक ऑलरेडी हेवी था उस बैग को क्या करने लगे उसको ऊपर पटकने लगे जैसे पटकने लगने पर क्या होगा वो तो मर जाएगा देन एंड रैन इनसाइड द रूम टू सी हर बेबी उसके बाद क्या करने चले गए रूम के अंदर गए रूम के अंदर जाके अपना बेबी का हालत को देखने चले गए थे फिर उसके बाद क्या हुआ शी सॉ द बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली इसका मतलब क्या होता है उन्होंने घर के अंदर जाके देखा तो वो घर में क्या कर रहे थे वो अच्छा से सो रहे थे बट ऑन द फ्लोर लेड अ ब्लैक स्नेक टॉन ब्लीडिंग बट वहां से एक ट्विस्ट देखे थे क्या था वो अच्छे सो रहे थे वहां से एक ब्लैक कलर का स्नेक था जहरीला स्नेक था वो क्या है वहां पे मरा पड़ा था तो फिर वो उसका बॉडी पूरा क्या किया गया था यहाँ वहां पड़ा गया था फिर उसको देखते क्या होने लग गया बहुत रियलाइज करने लग गई शी रियलाइज वॉट हैपेंड सो उस टाइम पे क्या करने लग गए वो समझने लग गए अरे वो तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर पे किसको मारा है स्नेक को मारा है वो स्नेक का ब्लड है करके तब उनको क्या आया रियलाइज किए थे रियलाइज करने के बाद क्या होने लग गए वहाँ से दौड़ के मंगूस कैसे है करके दौड़ने के वहाँ पे जाके देखी तो वहाँ पे जाके देखने टाइम पे वो क्या हो गया था मर चुका था फिर शी एक्टेड हैस्टली एंड रैशली शी स्टेयर्ड एट मंगूस फॉर अ लॉन्ग टाइम उस टाइम पे वो क्या देखने लगी गुस्सा हो के क्या करना है कैसे करना है करके उनको कुछ समझ नहीं आया तुरंत जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके क्या कर दिए वो उनको मार दिए थी फिर उसके बाद वो मरा पड़ा वाला जो किसको मंगूस को एकदम दुख से देखने लग गए बहुत टाइम तक जब उनका But she heard the baby crying, wiping her tears. She went into the room and started feeding him. फिर उसके बाद क्या हो गए उसके जब देख रहे थे देखने के टाइम पे क्या हो गया एकदम आवाज़ आया रूम से अंदर बेबी क्या करते हुए रोते हुए तब उनको मेरे बेटी रो रहे बेटा रो रहा है बोल के क्या करने लगे अंदर जाके उनको खाना खिलाने लग गए थे सो इसमें से ये पता चला है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए जल्द से जल्दी डिसीशन
नहीं ही लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए करके। सो ये सेकेंड पार्ट में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी मार्केट से वापस आ रहे थे, वापस आते वक्त मंगूस के मुंह में पूरा क्या था, ब्लड था। फिर उसको वेलकम करने के लिए जब गए, तब उनका जो फार्मर्स की वाइफ है ये समझने लग गए कि वो क्या हो गया है, उनका मुंह उनका क्या हो गया है, बच्चे को उन्होंने मार दिए करके। फिर उसके बाद उसको वहाँ से जो बहुत बड़ा हीवी बास्केट उसको फेंक के अंदर जाके देखे तो बच्चा सो रहा था, बट वहाँ पे एक सांप क्या था वहाँ पे नीचे मरा हुआ था। तब उनको समझ रियलाइज़ किए थे कि अच्छा इन्होंने मेरे बच्चे को सेव करने के लिए वो सांप को मारे करके। तब वापस आके देखे तो मंगूस उस समय तक मर चुका था। फिर उसको बहुत गिल्टी फील हुआ एक अच्छा मंगूस को मैंने मार दिए करके। फिर उसके बाद अपना बहुत दुख हुए, दुख होके अंदर जाके अपना बच्चे को फिर खाना वगैरह खिलाने लग गए थे। वही ये स्टोरी में हम लोग सेकेंड पार्ट में देखे थे। अभी इसमें आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कम से कम 15 वर्ड्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, 3 मोरल पॉइंट्स को लिखना है, और आपको क्या करना है एक और स्टोरी, राइट अ स्टोरी विथ अ मोरल। जैसे ये सिंपल स्टोरी था ना, वैसे एक और सिंपल स्टोरी विथ अ मोरल आपको क्या करना चाहिए इस लेसन के साथ आपको लिखना चाहिए। राइट बाय योर ओन वर्ड्स, डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम पैराग्राफ्स और अदर स्टोरीज, जस्ट ट्राई टू राइट बाय योर ओन। दैट्स ऑल फॉर क्लास 6th सेकेंड चैप्टर फ्रेंडली मंगोस। दैट्स ऑल, थैंक यू।